नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। लखनऊ से खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट का झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट का झटका। कोर्ट ने खारिज की स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी। कोर्ट ने खारिज की स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी। मानस की प्रतियां जलाने के मामले में अर्जी खारिज। प्रतापगढ़ में दर्ज मुकदमे में सपा नेता को झटका। मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट का ये बयान सामने आया है। ये मुकदमा निचली अदालत में चलेगा, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकदमा निचली अदालत में चलेगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जारी किया आदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट का झटका। हाईकोर्ट ने अपनी जिरह के दौरान कहा कि मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता, निचली अदालत में चलेगा मुकदमा। 1 फरवरी 2023 को दर्ज हुआ था मुकदमा, मानस की प्रतियां जलाने के मामले में अर्जी खारिज। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से शुभम पांडे जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को झटका लगा है, अर्जी खारिज हुई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आज जो है कोर्ट में झटका लगा हुआ है, और कह सकते हैं रामचरित मानस के जो प्रतियां थी उनको जलाने के मामले में आज उनकी याचिका जो है खारिज कर दी गई। वहीं जो है सपा विधायक आर के वर्मा है, उनके खिलाफ भी जो है जो वकील है संतोष कुमार मिश्रा, उनकी शिकायत के आधार पर जो उनका जो मामला है 1 फरवरी को प्रतापगढ़ जिले में जो है दर्ज हुआ, तो उसके बाद जो है कह सकते हैं लगातार जो जो सरगर्मियां हैं वो कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर जो है कहा गया है कि उनका जो मामला है वो निचली अदालत में चलेगा, और साफ कह सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जो है हाईकोर्ट से उनको झटका लगने के बाद साफ कह सकते हैं कि लगातार जो है जो पर्याप्त सूत्र हैं, जो पर्याप्त जो सबूत हैं कोर्ट में वो नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से उनको जो है उनकी याचिका जो है खारिज कर दी गई है। साफ कह सकते हैं अब जो है निचली अदालत में उनके ऊपर जो केस है वो चलेगा, उसकी सुनवाई है वो होगी। अब देखना ये होगा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके ऊपर जो किस तरीके की जो सुनवाई है वो होती है, अग्रिम जो तारीख है वो क्या मिल पाती है, और इन सभी चीजों पर जो सभी की नजर है वो टिकी रहेगी, क्योंकि रामचरित मानस की जो प्रतियां हैं वो चलाई गई थी, उस मामले में उनको कहीं ना कहीं एक मामला दर्ज हुआ था, मामले में निचली अदालत में मामला चल रहा था, उसके बाद जो है हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, और लगातार कह सकते हैं उनकी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही। अब देखना ये होगा कि इस मामले में नया मोड़ जो है क्या आता है, किस तरीके की जो रूपरेखा है वो बन पाती है, और क्या जो है कोर्ट जो है फैसला लेता है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी थी कि केस को खारिज किया जाए, यानी कि कहीं ना कहीं केस को रफा दफा करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब हाईकोर्ट का ये आदेश निकलकर सामने आया कि निचली अदालत में ये कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा। अब इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, किस तरह के आरोप अब सिद्ध हो सकते हैं? बिल्कुल, कह सकते जिस तरीके से उनकी प्रतियां जलाने का जो मामला था वो सामने आया था, उसके बाद जो है प्रतापगढ़ में उनका जो मामला है वो दर्ज किया गया था, उसके बाद जो है निचली अदालत में जो मामला है वो चल रहा था, कहीं ना कहीं उस मामले से किनारा कसने के लिए, वहां से निकलने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से हाईकोर्ट में एक अपील की गई थी, उस साफ तरीके से कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, और लगातार कहा जा सकता है जिस तरीके से जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो लगातार ऐसे जो कारनामे हैं वो करते रहते हैं, ऐसे जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं सामने आती रहती है, लगातार कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बयानबाजी होती है जिनको लेकर के लगातार वो सवालों को घेरे में आते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के। अब देखना होगा कि कोर्ट में किस तरीके से जो सबूत है वो प्रस्तुत होते हैं, सबूत के आधार पर उनके ऊपर किस तरीके की जो कार्रवाई है वो होती है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में क्या शुभम स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किसी तरह का कोई बयान अभी तक सामने आया है? जी बिल्कुल, कह सकते जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बाद लगातार वो कहीं ना कहीं जो चर्चाओं में बने थे, उसके बाद आज जब उनको हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा हुआ है, अब देखना ये होगा कि उनकी तरफ से किस तरीके की जो बयानबाजी है फिर सामने आती है। वो अक्सर जो है चर्चाओं में रहने के लिए कह सकते हैं कि लगातार अलग अलग तरीके की जो बयानबाजी करते हैं वो लगातार देखी जाती है। इस बार देखना होगा वो जो है जब हाईकोर्ट से उनको झटका लगा है तब किस तरीके की वो एक्टिविटीज है वो करते हैं, किस तरीके की बयानबाजी है वो करते हैं। जी बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार मानस की प्रतियां जलाने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हुई है। हाईकोर्ट का साफ कहना है कि अर्जी को खारिज नहीं किया जा सकता, अब यह पूरा मुकदमा निचली अदालत में चलेगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। गाजियाबाद में इनकम टैक्स का छापा, मीट एक्सपोर्ट कंपनी पर पड़ी रेड, पिछले 24 घंटे में ईडी की रेड जारी।
कंपनी के मालिक के आवास पर छापा, मुंबई स्थित आवास ऑफिस पर भी छापा। मुंबई स्थित आवास ऑफिस पर छापा, गाजियाबाद में इनकम टैक्स का छापा, मीट एक्सपोर्ट कंपनी पर पड़ी रेड। मीट एक्सपोर्ट कंपनी पर पड़ी रेड, मुंबई स्थित आवास और ऑफिस पर भी छापा, कंपनी के मालिक के आवास पर छापा, गाजियाबाद में इनकम टैक्स की रेड। मीट एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक के घर और ऑफिस पर पड़ी रेड। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से नदीम जुड़ चुके हैं। जी नदीम, जिस तरह से यहाँ पर निकल कर खबर सामने आ रही है, गाजियाबाद में इनकम टैक्स की रेट पड़ी है मीट एक्सपोर्ट कंपनी पर, क्या कुछ ताजा जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए मैं बता दूं आपको, गाजियाबाद में लगातार जो घूमते हैं ये जो फैक्ट्री है, इस पर रेड जो इनकम टैक्स की रेड है वो लगातार जारी है। ऐसे ही देखा जा सकता है जो इनकी ऑफिस है उन पर भी रेड लगातार जारी है, उसके साथ साथ इनके आवास पर भी रेड जारी है। आपको बता दें रेड का सिलसिला लगातार शुरू है। आपको बता दें इस मामले में लगातार कई अधिकारी आना जाना भी कर रहे हैं। फिलहाल की वो जानकारी के लिए बताएं आपको, तो जो आईटी के अधिकारी हैं वो लगातार वहां पर पूरी घेराबंदी किए हुए हैं, साथ में पुलिस कर्मी भी मौजूद है। जो पुलिस कर्मी वहाँ सुरक्षा में मौजूद है, जो वहाँ गेट पर तैनात है, किसी को भी अंदर या बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल जो जहाँ पर है तो वहीं पर ही रोक दिया गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो उनके जो अधिकारी है, जो और लोग हैं, उनकी उनके पास तक भी जाने की संभावना जताई जा रही है कि वहाँ भी उनको जो रेड है इनकम टैक्स की, वो उनके जगह में हो सकती है। हालांकि जो लोग इसमें शामिल है, फिलहाल अगर उसके मालिक की बात की जाए तो मालिक पर सारा सिकंजा जो है कहा गया है। लगातार इससे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। फिलहाल जो दस्तावेज है उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखा जा रहा है ये फैक्ट्री जो है बहुत बड़े स्तर पर चलती थी, यहाँ पर बड़े पैमाने पर फैक्ट्री का जो एरिया है वो भी बहुत बड़ा है, जिससे कहीं कहा जा सकता है कि इसमें जो आवागमन है ट्रकों का, जो गाड़ियों का, तो बहुत ज्यादा है। इसमें लेबर भी बहुत ज्यादा काम करती है, साथ साथ इसमें जो लोग हैं वो जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में कितने देर से कार्रवाई चल रही है और कितने अधिकारी लगभग पहुंचे होंगे छापेमारी की कार्रवाई के लिए? देखिए बताया जा रहा है कि एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी इसमें छापेमारी में पहुंचे हैं। कई गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ जो वहां के कर्मचारी हैं उनको भी फैक्ट्री के अंदर ही रोका गया है, किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। ये जो रेड है लगभग 24 घंटे है लगातार जारी है। ऐसे में देखा जा सकता है जो मुंबई इनके आवास है, जो इनके ऑफिस है, उन पर भी लगातार रेड का सिलसिला जारी है। फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो जिस तरीके से रेड का सिलसिला जारी है, कहीं ना कहीं जो मालिक है उसके हाथ पांव खुले हुए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें जो दस्तावेज है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्या अहम प्रमाण मिल सकते हैं। फिलहाल आईटी के अधिकारियों से बात की गई है तो उन्होंने अभी कुछ भी मौके से इंकार कर दिया है। जिस तरीके से रेड की अभी उम्मीद बताई जा रही है कि अभी 12 घंटे और चलने वाली है। जी बिल्कुल, तो अभी 12 घंटे और ये छापेमारी की कार्रवाई, रेड की कार्रवाई चलेगी। इस पूरे मामले में जिस तरह से मुंबई स्थित आवास और ऑफिस के साथ ही साथ गाजियाबाद की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है, क्या अन्य भी कंपनी के ऑफिस और अन्य ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स की टीम अब आगे आने वाले समय में जा सकती है? देखिए गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद के दासना इलाके में बहुत बड़ी नजर पड़ती है, जहाँ पर एक फैक्ट्री बनाई गई है। फैक्ट्री का जो एरिया है बहुत बड़ा है। सबसे पहले आईटी का सिकंजा था वो सबसे पहले फैक्ट्री में रखा गया, उसके साथ साथ आवास पर और ऐसे उनकी दर्जनों फैक्ट्री और भी है जहाँ पर इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है। फिलहाल की अगर जानकारी के लिए बताऊँ आपको, तो जो अभी जो रेट चल रही है वो गाजियाबाद के दासना इलाके में चल रही है, क्योंकि देहात इलाका है, देहात इलाके में बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर लगातार ये रेट का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल नदीम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से नदीम हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, गाजियाबाद में फैक्ट्री पर रेड चल रही है, साफ उनका कहना है कि काफी लंबे समय से कार्रवाई चल रही है, अगले 12 घंटे ये कार्रवाई इनकम टैक्स टीम के द्वारा अभी चलेगी है। बात करेंगे अगली खबर की, लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है, सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुनवाई, राहुल गांधी को नोटिस पर होगी सुनवाई, बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें, राहुल गांधी पर लग सकता है जुर्माना, निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। तो राहुल गांधी पर सावरकर मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बताया जा रहा है कि
मामले को चुनौती दी जा सकती है, चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई भी हो सकती है। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर माना जा रहा है कि मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं आगे आने वाले समय में, सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी पर सुनवाई का मामला, लखनऊ से खबर सामने आ रही है राहुल गांधी को नोटिस पर होगी सुनवाई। इस पूरे मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया था जिस पर अब सुनवाई होगी, बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें। राहुल गांधी पर लग सकता है जुर्माना, तो राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। संसद की केस में बरी होने के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुनवाई होनी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है और इस नोटिस पर अब सुनवाई हो सकती है। निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती, और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वीर सावरकर की टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया था जिस पर अब सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि राहुल गांधी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। अब देखना यह होगा कि सुनवाई के बाद किस तरह की दलीलें सामने आती हैं और उसके बाद किस तरह का फैसला इस पूरे मामले में निचली अदालत लेती है। निचले कोर्ट में आदेश को चुनौती के मामले पर सुनवाई हो रही है। राहुल गांधी को नोटिस मामले में सुनवाई बढ़ सकती है, राहुल गांधी की मुश्किलें, लगाया जा सकता है जुर्माना। सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के नोटिस पर होगी सुनवाई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, राहुल गांधी पर लगाया जा सकता है जुर्माना। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी को संसद के केस से हाल ही में बरी किया गया है, जिसमें अदालत के फैसले आने के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता वापस मिली थी। और ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी की वीर सावरकर की टिप्पणी को लेकर अब ये सुनवाई होनी है। निचली अदालत में सुनवाई को चुनौती पर अब बात सुनवाई होगी और इस सुनवाई में माना जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं, अदालत में अब इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? तो संपर्क हमारे यहां पर हो नहीं पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि राहुल गांधी पर लगाया जा सकता है जुर्माना। निचली कोर्ट के आदेश पर चुनौती के मामले में आज होनी है सुनवाई। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी पर होनी है सुनवाई।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितिन, राहुल गांधी पर जिस तरह से अब सुनवाई होनी है वीर सावरकर की टिप्पणी के मामले में, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, बताने की लगातार राहुल गांधी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर को लेकर एक टिप्पणी की थी, तो टिप्पणी करने के बाद आज एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की जो है सुनवाई की आई, जो तारीख थी वो 1 नवम्बर तय कर दी गई थी, लेकिन बताने की पहले अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी की जो संसद के अंदर जो है सदस्य रद्द कर दी गई थी, तो उसको भी देखते हुए कि राहुल गांधी को उससे बहाल कर दिया गया था, लेकिन अब देखना चाहते हैं कि इससे बड़ी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में खुद राहुल गांधी को आज चुनौती दी जाएगी और लगातार इस तरीके को लगातार जो सुनवाई है इस पर की जा रही है। बता दें कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर जो है कुछ टिप्पणी करने के बाद तो इसकी जो है कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी, एमपी एमएलए जो कोर्ट है जिसमें जो तमाम विधायकों की जो कोर्ट लगती है तो उस कोर्ट में इसकी सुनवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से माना जा रहा है कि राहुल गांधी पर जुर्माना भी लग सकता है, क्या कुछ फैसला आ सकता है और साथ ही साथ जुर्माने को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई है तो इस पे कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है, तो क्योंकि कोर्ट में जो है पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर ही पहले भी जो है कोर्ट ने कह चुका था उस समय जो है माफी मांगने की मोदी लेकर जो है तमाम ऐसे मुद्दे पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी संसद के अंदर, लेकिन उसके बाद अब जो है राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में दोबारा से पेश किया जा रहा है, क्योंकि वीर सावरकर का जो मामला था राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी, तो टिप्पणी करने के बाद तमाम ऐसे मुद्दे को देखते हुए तो राहुल गांधी को जो है आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा लखनऊ के अंदर। उस कोर्ट में जो है राहुल गांधी से फिर भी दोबारा बोला गया था कि आखिरकार उसने इस तरीके से वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी लगातार, तो उस टिप्पणी को लगातार देखा जा रहा है कि आखिरकार इसमें पूरे मामले की जो सुनवाई है एमपी एमएलए कोर्ट में की जा रही है, लेकिन उस पर जो है राहुल गांधी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और जुर्माने में जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब जो है देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पहले संसद के अंदर ऐसा मामला चला था, संसद से बहाल हुए तो उसके बाद राहुल गांधी को अब एमपी एमएलए कोर्ट में को जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि वीर सावरकर की यहाँ पे जो भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज से अगली खबर सामने आ रही है, पटरी से उतरी ट्रेन के पहिए, सुहेल देव एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी, ट्रेन के चार चार पहिए पटरी से उतरे। प्रयागराज जंक्शन पर पटरी से उतरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर हुआ हादसा। गाजीपुर से आनंद विहार जा रही थी ट्रेन, यार्ड में ही डीरेल हो गई ट्रेन। तो प्रयागराज से खबर है, पटरी से उतरी ट्रेन सुहेल देव एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी, ट्रेन के चार चार पहिए पटरी से नीचे उतरे। यार्ड में ही डीरेल हो गई थी ट्रेन। सुहेल देव एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी, प्रयागराज जंक्शन पर हुआ हादसा। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से सुहेल देव एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से नीचे उतरी, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हादसा किस समय हुआ और कितना भयानक हादसा था? देखिए फिलहाल बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जानमाल का किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि डिले होने से कुछ देर के लिए ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ रवाना नहीं हो सकी। हादसे की अब बाकायदा जांच हो रही है कि इसके पीछे कारण क्या है। स्टेशन से ही जब ये मूव की थी उसी के बाद इसकी चार पहिए जो है वो डिरेल हुए। उसके बाद आनंद फानन में जो मैकेनिकल टीम और रेलवे विभाग के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, चूंकि ये यात्रियों से भरी ट्रेन थी जो रवाना हुई थी। लेकिन इसमें राहत ये रही कि जो शुरू के डिब्बे थे यानी इंजन और उसके पास का, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि काफी मशक्कत के बाद अगले गंतव्य से ये ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इस बीच रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए और साथ ही साथ जो दूसरी ट्रेनों का आवागमन है। बिल्कुल शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जल जीवन मिशन का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। मिर्जापुर में भी केंद्र सरकार की इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत देश भर में लोगों को पेयजल पहुंचाने के काम हो रहा है। वहीं यूपी में भी
योगी सरकार पीएम मोदी के इस विजन को रफ्तार देने का काम कर रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में इस योजना को लेकर धरातल पर तेजी से काम हो रहा है, जिस कारण लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत मिर्जापुर में 9 ग्राम समूह में ये परियोजना चलाई गई, जो अब तक 1634 गांव में 99% काम हो रहा है और अब तक 588 गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ पर लगभग जो है वो 1634 राजस्व गांव जो हमारे हैं, उनमें 3,49,966 घरों में हर घर नल का कनेक्शन किया गया है और इन 1634 गांव में हमारी जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है वो हम लोग लगभग 99% पूरे कर चुके हैं और इनमें से 500 गांवों में हमने जलापूर्ति भी प्रारंभ कर दी है, शेष गांवों में भी शीघ्र ही जलापूर्ति भी प्रारंभ हो जाएगी। योजना का लाभ मिलने से लाभार्थी गदगद हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। सब बहुत अच्छा है, मिलता है, बहुत बढ़िया है, ये जल भी अच्छा है। अच्छा, जब से नल लगा है आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हाँ साहब, बहुत शरीर के स्वास्थ्य के लिए बड़ा, पेट के लाद के गर्मी, शरीर के और सब कुछ अच्छा है। सीएम योगी की लोक सेवा का फायदा आज प्रदेश के हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर एक घर तक योजना का लाभ पहुंच रहा है, जिससे प्रदेश में शुद्ध पेयजल की बयार बह रही है और लोग पीएम मोदी और सीएम योगी का गुणगान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।